ऑर्ब्स से हैं। मैं समझ गया था कि इनका टकराव को बचाने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए था। सुना दे, मैं तो तुम्हें तुम्हारे अपनों को लौटाना चाहता था। मैं तो लीफ विलेज को बर्बाद करने का सपना भी भूल चुका था। तुम्हें अपने ड्रीम की पड़ी है। मैं जानती थी कि मेरे विलेज को बख्शने का तुम्हारा वादा खोखला था, पर एक बार को मैंने तुम्हारा सौदा मंजूर कर लिया था, क्योंकि मैं उन दोनों को आखिरी बार देखना चाहती थी। एक बार उन्हें देखना था, चाहे एक पल के लिए। काश मैं उन्हें छू पाती, गले लगा पाती, एक आखिरी बार उनकी वो मुस्कान देख पाती। मैं कमजोर पड़ गई, इतनी कमजोर कि एक पल को सब कुर्बान कर जाती बस उन्हें देख पाने के लिए, बस एक बार। और अपने स्वार्थ के लिए मैं अपने विलन से निश्चित है। काश वो सच होता, काश मैं सारी पुरानी बातें भूल जाऊं, पर ऐसा कभी नहीं होगा। लगता है हमारी डील अब एक डेड एंड पर आ चुकी है। अब मुझे प्यार से नहीं, सख्ती से पेश आना पड़ेगा। Break down, the deal is off. कमाल की बात है कि इतने सालों में तुम्हारा मेरा आमना सामना कभी हुआ ही नहीं है ना? तो रुके क्यों हो? इतनी आसानी से नहीं, पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। आगे बढ़ो। इसकी पावर में कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही। अगर वो कामयाब हो गई तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ मैं जानता हूँ, आपकी जगह मैं होता तो मैं जंग यहाँ नहीं छेड़ता। लॉर्ड ओरोचिमारु, तो अब तुम्हें माहौल भी चाहिए। हाँ, यहाँ से जाने में ही भलाई होगी। इनकी असिस्टेंट को मैं ऐसे लोगों के साथ देख चुका हूँ जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, और वो यहाँ पहुँचते ही होंगे। आखिर ये मुसीबत खड़ी करने वाले है कौन? अभी की तरह वो भी एक सानन है। तुम्हारा खेल तो मैं खत्म करूंगी। वाह, आखिर यहाँ चल क्या रहा था? क्या ही बताएं? मेरी मानो तो शायद किसी ने सुनाडे को नाराज कर दिया है। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। मतलब उन्होंने डील कैंसिल कर दी? अच्छा मान लिया, पर वो गुस्से से भरी हुई आंटी कहाँ गई? उनकी जैकेट वो कहाँ गई? बताओ टॉन्टॉन। ओके चलो चले। इतने में ही थक गई। खैर हम सभी बूढ़े हो चले हैं, है ना? अब तुम्हारा खेल खत्म। ताइजुत्सु में मैं उतना भी माहिर नहीं हूँ, लेकिन एक फूट पिन। ये हैंड साइन, तो ये भी मेडिकल निंजुत्सु जानता है। मैंने तुम्हारे राइट बाइसेप और लेफ्ट थाई के मसल्स इतने तो कमजोर कर ही दिए हैं कि तुम अपनी ताकत हम पर ना आजमा सको। एक चक्र स्कैल्पल, हाँ? सीधे सीधे मुझे खत्म ही कर दो ना। ये तो सच है कि मैं स्कैल्पल से बिना तुम्हारी स्किन को डैमेज किए मैं तुम्हें खतरनाक अंदरूनी जख्म दे सकता हूँ।
और इन जख्मों का जंग में ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है। लेडी सुनाडे, इन जख्मों के साथ आप मुझे नहीं हरा पाएंगी। बातचीत बहुत हो गई, क्यों ना मैं तुम्हारे गले पर एक वार कर दूं? नहीं, इसने मेरी पसलियों के बीच वार कर दिया, सांस नहीं ले पा रही। ये कोई आम मेडिकल निंजा नहीं है। अपनी जवानी में भी ना तो मैं इतनी तेज थी, ना मेरा निशाना इतना परफेक्ट था। मुझे ध्यान रखना होगा कि मुझसे तुम्हारी कोई वाइटल लव्स ना कट जाए। हमारे लिए तुम बहुत जरूरी हो। डरो मत, तुम पहले की तरह हिल डुल नहीं पाओगे। मैंने सोचा मैंने उसे पैरालाइज किया, इसे तो होश में भी नहीं होना चाहिए था, पर ये तो बेवकूफी। काबू करो, इस औरत की काबिलियत को कम मत समझो। कितना आसान होता अगर मैं इसे खत्म कर पाता। ये क्या हो रहा है? जब मैं अपना दाया हाथ हिला रहा हूँ तो मेरी बाई टांग क्यों हिल रही है? ये नहीं हो सकता। मेरे विचार काम आई हो, क्योंकि अब मुझ में और ताकत नहीं बची। अब मैं समझा। मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा, पर मेरे मसल्स तो ठीक हैं। आखिरकार तुम समझ ही गए, तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम डाउन है। मैंने अपने चक्र को बिजली में बदलकर तुम्हारे पूरे शरीर को झटका दिया है। उसने काबोटो की कम्युनिकेशन लाइंस पर वार किया है, जिसकी वजह से उसके दिमाग से कोई भी मैसेज शरीर के किसी भी हिस्से तक नहीं जा रहे हैं। दिमाग से तार कट जाने के बाद उसका शरीर अब जानता ही नहीं है उसे करना क्या है। एक तरह से उसका फ्यूज बोल गया है। इस हालत में भी उसने ऐसा वार कैसे कर लिया? मैं ये कैसे भूल गया कि मेरे एक साधन है। एक हीलिंग जुत्सु जितनी ऊर्जा तो नहीं बची मुझमें, पर मुझसे जो बन सके करना होगा। ये क्या हो रहा है? जब मैं अपना दाया हाथ हिला रहा हूँ तो मेरी बाई टांग क्यों हिल रही है? और अगर अपनी बाई एंकल हिलाने की कोशिश करूँ तो फिर दाया मेरा दाया गंदा। ये मुश्किल होगा, पर मेरे ख्याल से यही एक रास्ता है। मैं समझ गया हूँ कि किसकी जगह क्या काम कर रहा है। तुम्हें लगा तुमने मुझे हरा दिया है ना? सरप्राइज, तुम तैयार हो? ये जल्दी ठीक नहीं हो सकता। तो तुम्हें खून खराबे से डर लगता है ना? देखते हैं तुम्हें कितनी हिम्मत है। बाद मेरे दोस्त ओरोचिमारो, आओ, वक्त तो बहुत बीत चुका है, पर तुम पहले से भी ज्यादा सरियल लग रहे हो मेरे दोस्त। काबुटो नारुतो, तुम क्या तुम इससे पहले मिल चुके हो नारुतो? हाँ मिला हूँ ना, हमने साथ में चुनिंग एग्जाम्स दिए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो काबुटो? मेरा रास्ता छोड़ो, चले जाओ यहाँ से, इन्हें मैं खुद संभाल लूंगी। तो तुम बड़ी जल्दी ठीक हो गए, कोई बात नहीं, लगता है अभी भी ठीक होना बाकी है। अब खेल खत्म हुआ बच्चे, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा जुत्सु अब खत्म हो चुका है, अब मैं दूंगा 100%। मैं जानता था कि मैं एक ही वक्त में दो महान सानिन का सामना नहीं कर पाऊंगा। खैर अब कम से कम एक को तो मैंने संभाल लिया। लेडी सुना दे, मेरी समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है। कुछ है जिसे मैं नहीं जानता, मतलब काबुटो और सुनाडे दादी माँ भिड़ क्यों रहे हैं?
तुम आज भी अपनी ही दुनिया में हो, है ना नरूटो? इसलिए तो हर बार सास्के तुम्हें धूल चटा देता है। अपने सवालों के जवाब के लिए उसके हेडबैंड को गौर से देखो, ये ओरोचिमारु का गुलाम है। सही समझे, मैं विलेज हिडन इन द साउंड से आया एक जासूस हूँ। जरूरी नहीं सब कुछ आप अकेले करें लेडी सुनाडे, मुझे मदद करने दीजिए और आप आराम कीजिए। ग्रैंडमा सुनाडे, आगे बढ़ो और जी भर के मुझे देख लो। तुम अब भी एक पिद्दी से गैनिन हो जिसके बड़े बड़े ख्वाब हैं। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर के मॉन्स्टर से थोड़ा सा डर गया था, पर अब जो मेरे चारों ओर तीन महान सानिन खड़े हैं, मुझे नहीं लगता तुमसे कुछ हो पाएगा। इसके होते हुए तुम वो बच्चे हो जो बड़ों की पार्टी में घुसना चाहते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो नहीं बचोगे। अच्छा? ना रुको, रुको। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। उसका राइट हैंड शायद वही चोट लगी है। शैडो क्लोन जुत्सु, एक बार में ढेर वार करूंगा, फिर राइट साइड से हमला करूंगा जहां वो कमजोर दिखाई दे रहा है। तेरी तो मेरी आंखें। मेरे रिफ्लेक्स अभी तक लौटे नहीं, मैं इनसे कैसे बचूं? अब बस एक ही रास्ता है। उसने हेडबैंड से नीडल्स को रोक लिया। चाल तो बढ़िया थी, ये तो मानना ही पड़ेगा। शुक्रिया शिज़ुने। तो ये बात है प्लाज्मा पिल। प्लाज्मा पिल? ये तो जाहिर सी बात है कि वो खून की कमी को पूरा करने में लगा हुआ है। इसका मतलब ये एक मेडिकल निंजा है, बिल्कुल मेरी तरह। बॉडी में हर चीज एक हिसाब से होनी चाहिए काबुटो। लॉर्ड ओरोचिमारु, वक्त आ गया है कि आपके हाथों की पट्टियां निकाली जाएं। तो ये है ओरोचिमारु। चलो आखिरकार जरूरी काम करने का वक्त आ ही गया। शिज़ुने, हाँ? उस डबल बैटर